जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर ब्लॉक सभागार में पंचायती राज विभाग के द्वारा चयनित चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लॉकों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 2 दिन ग्राम प्रधानों, 2 दिन क्षेत्र पंचायत सदस्यों और सरकारी विभागों और 2 दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विकास लक्ष्यों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं संस्था के अध्यक्ष धनंजय सक्सेना ने बताया कि पंचायती राज विभाग के द्वारा चयनित माँ चैरिटेबल संस्था को उधम सिंह नगर जनपद के 700 ब्लॉकों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें से हर विकास खंड में 6-6 दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। पंचायती राज विभाग उत्तराखंड द्वारा चयनित माँ चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था को ये उधम सिंह नगर के 700 ब्लॉक का प्रशिक्षण देने का काम मिला है। इसमें हर विकास खंड में 6-6 दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जो सतत विकास लक्ष्यों को लेकर है। और ये पहले 2 दिवस जो होता है हमारे सम्मानित प्रधान जी लोग हैं, 2 दिन हमारे रेखी विभाग के अधिकारी और क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, 2 दिन हमारी आंगनबाड़ी आशा एनम और आपके स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और ग्राम पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जिसमें संस्था द्वारा चाय नाश्ते की व्यवस्था और खाने की उचित व्यवस्था की गई है। और इसमें बताने का ये है कि 2030 तक हमें सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है। ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत में जो भी कार्य योजनाएं बनेंगी उसमें 3-3 थीम को हर साल लेके हमें पूरा करना है। और ये जो सतत विकास लक्ष्य है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अगर हम किसी काम की निगरानी करते हैं तो उस काम की गुणवत्ता बढ़ जाती है।